गुड मॉर्निंग बच्चों, आज इस ग्रुप की ऑनलाइन क्लास में हमारी कजन से आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अपनी जो सीरीज की किताब चल रही है, हमने जो सीरीज का प्रथम नंबर का पार्ट था जिसमें संत वाणी के 3 कवि थे, उन कवियों का तो हमने अध्ययन कर लिया। आगे के कवि में हम सेकेंड नंबर का पार्ट है सूरदास जी का पार्ट, सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में देखते हैं, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में है हर कवि या हर लेखक का एक जीवन परिचय अवश्य आता है, इसलिए हम इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। सूरदास जी जो है वो भक्तिकाल के कवि माने जाते हैं। आपको काल है तो भक्तिकाल लिखना है, और काव्य धारा जी लिखनी हो तो आप सगुण काव्य धारा लिखोगे। काव्य धारा लिखनी हो सगुण काव्य धारा। काव्य धारा का मतलब ये होता है कि कुछ समय दो भागों में भक्तिकाल को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था, एक तो निर्गुण काव्य धारा और एक सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा का तो ये होता है कि किसी का कोई आराधक नहीं होना, और सगुण काव्य धारा जो होती है उसका एक विशिष्ट आराधक होता है। तो सूरदास जी के कृष्ण आराधक थे, इसलिए इन्हें सगुण काव्य धारा के कवि माने जाते हैं, और इसकी जो काव्य की भाषा थी वो ब्रज भाषा थी, इसलिए इन्हें ब्रज भाषा का कवि भी माना जाता है। इनका जन्म जो है वो 1478 में हुआ है, कहीं कहीं आपको 1540 भी मिलेगा, क्योंकि ये ईस्वी और विक्रम की ईस्वी के साथ होता है, वो आधार का डिफरेंस में दे देते हैं, तो आपको ये 1478 ईस्वी के हिसाब से सही है, और 1540 मिले तो वो विक्रम के हिसाब से सही है। अब कुछ लोग तो ये मानते हैं कि इनका जन्म आगरा और मथुरा के बीच एक गाँव का वहां माना जाता है, और कुछ विद्वान जो है वो ये बोलते हैं कि दिल्ली के समीप नामक एक स्थान है वहां पर इनका जन्म माना जाता है। तो यह कुछ विद्वान ये कहते हैं, कुछ ये कहते हैं। इनके बारे में एक ये प्रचलित धारणा है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जन्म से अंधे थे, और कुछ ये कहते थे कि ये बाद में अंधे हो गए। ये बात जो है सिद्ध करने के लिए एक इनकी लोकोक्ति की बात प्रचलित है कि एक दिन सूरदास जी जो है वो चलते चलते एक अंधे कुप में गिर जाते हैं, तो वह 5-6 दिन तक वहीं रहते हैं और लोग उन्हें संभालते नहीं है, तो भगवान स्वयं जो है वो उन्हें दर्शन देते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं आपकी आंखें दे दूं। तो सूरदास जी कहते हैं कि ये विरक्त जिंदगी है, यहाँ पर किसी का कोई लेना देना नहीं है, तो मुझे अपनी आंखें नहीं चाहिए। तो भगवान जो है वो उन्हें ज्ञान रूपी चक्षु प्रदान कर देते हैं, अर्थात ज्ञान की आंखें प्रदान कर देते हैं। इसीलिए मानना है कि कुछ कहते हैं ये जन्म से अंधे हैं और कुछ कहते हैं कि ये बाद में अंधे हो गए, इसीलिए ये बात उनके प्रचलित मानी जाती है। इनके गुरु का नाम कभी कभी आपको सुख मिलेगा, इनके गुरु का नाम बल्लभाचार्य था। ऐसा माना जाता है कि ये अष्टछाप के कवि थे, अष्टछाप एक समुदाय बनाया गया है, जो बल्लभाचार्य और विश्वनाथ दोनों ही समुदाय को बनाया था। तो बल्लभाचार्य जी थे, उनके शिष्य जो थे वो सूरदास जी थे, और बल्लभाचार्य जी के पुत्र थे विश्वनाथ, उनके अलग शिष्य है, अर्थात इसमें 8 प्रकार के शिष्य है, 4-4 जो है उनको भागों में विभाजित किया गया। तो बल्लभाचार्य जी के शिष्य थे सूरदास जी, और ये अष्टछाप के कवि भी माने जाते हैं। फिर है इनकी प्रसिद्ध रचनाएं, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं जो है इनके नाम के भी है, एक तो इनकी रचना है सुरसागर, एक है इनकी सुरसारावली, एक है इनकी साहित्य व्याधि। इनको याद करने में भी आपको बड़ी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सह नाम से ही है सुरसागर सुरसारावली साहित्य व्याधि, तो सह के नाम से है। तो इनके यदि आप कुछ पूछ ले कभी एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि सूरदास जी की रचनाएं बताएं, तो अपन को ये तीनों रचनाएं याद होनी चाहिए, सुरसागर उनके बारे में भी उन्होंने बताया है। और ये संयोग का मतलब तो ये हो जाता है कि नायक और नायिका के मिलन की, और वियोग का मतलब नायक और नायिका के बिछड़ने की। तो कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तो वह गोपियों से बिछड़ जाते हैं, तो उसका वर्णन तो वियोग संगारस में चला जाएगा, और जब वह राधिका से मिलते हैं तो उसका संयोग में चला जाएगा। तो इसको संगारस को 2 भागों में विभाजित भी किया है। वैसे माना जाता है कि ये भक्ति और संगार दोनों की कवि माने जाते हैं।
आगे के कर्म में इनकी जो परछाई है वो बुद्ध परछाई मानी जाती है। ज्यादातर इनको ने कृष्ण की आराधना की है और कृष्ण का बाल रूप भी वर्णन किया है। अपने यहाँ जो की गई है वो कृष्ण और गोपियां का सम्मान यहाँ पर दिया गया है। जब गोपियां जो है वो कृष्ण के बारे में उद्बोधन देती है वो जो उद्भव आता है आगे की कर्म के हम कल जो है इनकी व्याख्या पढ़ेंगे, इनके पद जो है उनका मध्य करेंगे। थैंक यू।